Good afternoon, students. Welcome to the online class. हिंदी का हम थर्ड यूनिट आज देखेंगे, ठीक है. लास्ट क्लास में इसको रीड किया था हमने, खिलौने वाला. और आपको जो कल काम दिया गया था साइंस का, आई होप आप सब ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा. आप सभी को काम करना है, वो सभी के पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आप सभी के पास हैं, ठीक है. तो उसको काम आपको साइंस की अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है स्कूल की. तो जो भी आपको काम दिया जा रहा है आप रेगुलरली करते रहिए, उसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है, ताकि आपका काम कोई डिले ना हो, ठीक है. तो आज हम इस पोएम को, स्टोरी, इस कविता को देखते हैं, खिलौने वाला. वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है. हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने अपनी रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार. मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी. कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है. अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार. तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह भी कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल. मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान. तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा. पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, लूटूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा. ठीक है, तो किसने लिखी थी ये कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान ने. ठीक है, आइए कविता को समझते हैं कि क्या कहने चाहती है कविता. वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है. ठीक है, देखिए इस पे एक बच्चा है, एक माँ है और एक खिलौने वाला है. ठीक है, इसमें तीन जने हैं. तो बच्चा अपनी माँ को कहता है, माँ वह देखो खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है. उसके पास कई तरह के नए नए सुंदर खिलौने हैं. हरा हरा तोता पिंजरे में, उसके पास एक हरा तोता है पिंजरे में, गेंद भी है एक पैसे वाली, एक छोटी सी मोटर गाड़ी है. ठीक है, सर 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 चलने वाली, मतलब मोटर गाड़ी है जो कि इस तरह से चलती है. सीटी भी है उसके पास कई तरह की, और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं उसके पास. चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल. ठीक है, उसके पास एक रेल गाड़ी भी है, इसमें चाबी भर दी जाए तो वो अपने आप आगे आगे बढ़ती रहती है. उसके पास देखो गुड़िया भी है बहुत भली सी, एक प्यारी सी गुड़िया भी है, उसने कानों में बाली पहन रखी है. ठीक है, एक छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली भी है, टी सेट होता है ना,
बच्चे खेलते हैं टी सेट से, बर्तन हो गए, ठीक है, ये सब भी है। और क्या क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण हैं, ठीक है, छोटे धनुष बाण भी हैं, छोटी छोटी तलवार भी है नए। और क्या कह रहा है वो जोर जोर से? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार के, आओ नए नए खिलौने ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। अब देखो बच्चे का कोई दोस्त है मुन्नू, उसने क्या लिया है? गुड़िया लिया उसने। मोहन ने एक मोटर गाड़ी ली है। अब मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब सरला क्या कहती है माँ से? माँ एक साड़ी भी ले लो, ठीक है, लेकिन खिलौने वाला तो कभी साड़ी नहीं लाता है, ठीक है, साड़ी तो वो कपड़े वाला लाता है जो कि देखे जाता है, ठीक है। खिलौने वाला कभी साड़ी बेचता है? नहीं बेचता, ठीक है। अब देखिए वो बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार। अब बच्चे की माँ ने उसको कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, कि जाओ तुम भी कुछ खिलौना ले लो। अब देखो वो क्या कहता है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अपनी माँ को कहता है कि माँ अब तुम गैस करो कि बताओ मैं कौन सा खिलौना लूंगा इस पैसों से। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा। अब वो कहता है कि माँ तुम्हें लगता है कि मैं लूंगा तो मैं तोता लूंगा, बिल्ली लूंगा, या मोटर लूंगा, या रेल, ठीक है, मैं इन सब में से कुछ लूंगा, लेकिन ये तो सभी बच्चों के खेल हैं, ठीक है, ये सब बच्चे लेते हैं, ऐसा उसने कहा। अब क्या कहता है, मैं क्या खरीदूंगा? मैं तलवार खरीदूंगा। वो एक तलवार खरीदेगा, या लूंगा तीर कमान, या फिर वो एक तीर कमान लेगा, और फिर जंगल में जाके किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जिस तरह राम ने जंगल में जाके राक्षसों का विनाश किया था, खत्म किया था राक्षसों को, उसी तरह ये बच्चा कहता है कि माँ मैं भी तीर कमान और तलवार लूंगा ताकि जंगलों में मैं भी जाऊं और राक्षसों को मार भगाऊं, जिस तरह प्रभु श्री राम ने मारा था। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। आपने देखा था रामायण में कि जिस किस तरह से महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को लेके गए थे जंगलों में सारे असुरों को मारने के लिए, क्योंकि वो सारे तपस्वियों को, साधुओं को परेशान करते थे। तो बच्चा भी कहता है मैं भी उसी के समान जंगल में जाऊंगा और इन सब राक्षसों को मारूंगा, और फिर इन सब को मारते मारते मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा। तो एक दिन मैं भी श्री राम के समान मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्यामा, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो अपनी माँ को क्या कहता है, कौशल्या कहता है, ठीक है, कि राम की माता का नाम कौशल्या था, इसलिए वो कहता है कि माँ तुम्हें भी मैं कौशल्या बनाऊंगा, जब मैं राम बन जाऊंगा तुम भी कौशल्या कहलाओगी और मैं यहीं पर रहूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अगर तुम कहोगी कि वन चले जाओ तो मैं वो भी काम कर दूंगा तुम्हारा, मैं वन में भी चला जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब देखो क्या कहता है बच्चा कि माँ तुम मुझे वन में भेज दो कि मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं रह कैसे पाऊंगा तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना मैं वन में बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर अगर मैं जंगलों में घूमूंगा तो शाम को लौट कर मैं किसके पास जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, और जंगल में मुझे खिलौने या सामान खरीदने के लिए पैसे कौन देगा। लूटूंगा तो कौन मना लेगा, अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो मुझे मनाएगा कौन। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज दे देगा, और कौन अपनी गोदी में मुझे बिठा के मुझे मनचाही चीज देगा, मुझे लाड करेगा, मुझे प्यार करेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है, तो बच्चे का कहने का तात्पर्य है कि वो प्रभु श्री राम जैसा, चंद्र की जैसा बनना चाहता है, लेकिन वो अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। जिस तरह प्रभु श्री राम तो सभी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं राम तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। समझ में आई आप सभी को ये कविता, किसने लिखा है इसे? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सभी ने अच्छे से समझा इस कविता को। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिए गए हैं।
तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि अक्सर आप लोग नाराज हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से, पापा से, तो ज़्यादातर किस बात पे नाराज़ होते हो? खिलौनों को लेकर ही नाराज़ होते हो ना, तो वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, माँ के अलावा घर में कौन कौन जो तुम्हें मनाता है? और ये बताइए, माँ के अलावा तुम्हें घर में नाराज़ होने पर कौन कौन मनाता है? दादी माँ, दादाजी, पापा, भाई बहन, कौन तुम्हें मनाता है माँ के अलावा जब तुम नाराज़ हो जाते हो तो? ठीक है, बताना है आपको। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुना। आप सभी को पता हो कि त्यौहार जो मनाए जाते हैं, ज़्यादातर त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पे मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा। ठीक है, दशहरा मनाया जाता है, श्री राम ने रावण का वध किया था। ठीक है, होली मनाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु की कृपा से इस दिन एक राक्षसी का वध किया गया था। ठीक है, होलिका नाम की जो होली में जल गई थी, आग में जल गई थी, लेकिन उनका जो भक्त था वो नहीं जला था। ठीक है, इस तरह के और भी कहानियाँ होंगी, आपको पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के जीत पर बल देती है। ठीक है, आपको पता करना है। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगी? आप सभी ने रामलीलाएं देखी है, टीवी में रामायण देखी है, और आपने रामचंद्र के बारे में भी जाना कि वो कैसे थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जी रामचंद्र की आपको सबसे अच्छी कौन कौन सी बातें लगी। ठीक है, उनकी क्या बात आपको मन में भाई, क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी? ठीक है, ये सब विचार करने वाले क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको सोचना है, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। ठीक है, लिखना नहीं है कहीं, आप सबको पता होना चाहिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, ये हमें पता लगा था ना। जब देखो यहाँ पे लिखा है, कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा इसको। और देखिए, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, ऐसा कब पता लगता है हमें? देखो, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, इन दो लाइनों में पता लगता है हमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। ठीक है, आइए कहाँ पता लगता है कि बच्चा माँ की सलाह लेना चाहता है? ये देखो यहाँ पे, मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, ऐसा कहाँ कहाँ कहा गया है? देखो यहाँ पर है, किस रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचा ही चीजें देगा। ठीक है, यहाँ पे इन तीन लाइनें पता लग रहा है ये बात। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते जरूर सुना होगा, सुना है आप सबने, जो फेरी वाले होते हैं, रेड़ी वाले होते हैं, इस तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। ठीक है, आपको पता करना है कि आपकी गली में जो और लोग आते हैं सामान बेचने वाले, तो वो किस किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, किस किस तरह की आवाज़ें लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? अब बताओ उसमें से आप कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगी, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। ठीक है, जो भी आपको पसंद है उसको टिक कर देना आप। ठीक है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो,
अब बताना है आपको कि आप अपने फ्रेंड के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। अब देखिए, इसमें पता करना है कि संज्ञा क्रिया है या क्या कुछ और है। पान वाले की दुकान आज बंद है, तो इसमें पान वाला क्या है? संज्ञा। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो इसमें दिल्ली वाली क्या है बताइए? देखिए, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो मैं दिल्ली वाली मौसी, देखो किसी व्यक्ति है, ठीक है, तो मौसी कौन सी वाली? दिल्ली वाली, तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो महमूद कौन सी वाली बस से आएगा? 5 बजे वाली। ठीक है, उस बस की क्या विशेषता है? वो 5 बजे आती है, तो ये भी क्या है? विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, नंदू को कैसी गुड़िया चाहिए? बोलने वाली, ये भी विशेषण है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? तो दाढ़ी वाला, ये भी विशेषण है। ऊपर सामान, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ठीक है, इस सामान को ऊपर वाले, इसमें ऊपर वाले जगह बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं इसमें वो। ठीक है, आगे देखिए, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो इसमें ऊपर वाला, यहाँ पे देखो क्या है? संकेत, संकेत दे रहा है यहाँ पे, ये भी विशेषण में ही आता है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू आऊंगी, ठीक है, ये भी विशेषण है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। ठीक है, आपने अगर रामलीला देखी है तो आपको उसका अभिनय करना है, ये क्लास का काम है, अभी यहाँ नहीं हो पाएगा। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो ये तीनों नाम रामायण कथा के हैं। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, इन पंक्ति का कथा से क्या संबंध है? इस पंक्ति का कथा से यह संबंध है कि जिस तरह राम कौशल्या अपनी माता को छोड़ के वन की ओर चले गए थे, लेकिन उसके विपरीत जो बच्चा है ये कहता है कि मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह श्री राम को महर्षि वशिष्ठ अपने साथ ले गए थे असुरों का सर्वनाश करने के लिए, ताकि जितने भी साधु संत हैं वो अपना यज्ञ पूरा कर सकें, तो एक रामायण में भी आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा उसमें भी ये सब था। ठीक है, दूसरा क्या है? तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो जिस प्रकार श्री राम वन की ओर चले गए थे बिना कोई सवाल किए, ठीक है, उसी तरह बच्चा भी कह रहा है मैं भी सीधे सीधे वन, बिना तुमसे कुछ कहे सीधा वन चला जाऊंगा अगर तुम कहोगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कविता पूरी कर ली है। ठीक है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है काम, आपको समझना है सही से। ठीक है, और जो ये प्रश्न है सारे देखिए, ये प्रश्न है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे, वीडियो को सही से दोबारा देख लीजिएगा। इन सभी को आपको अपनी रफ कॉपी में, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इन सभी को अपनी रफ कॉपी में करके आपको आंसर भेजने हैं मुझे, रफ कॉपी में, फेयर में नहीं, रफ कॉपी में करने, उसके बाद हम फेयर करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले आप रफ कॉपी में करके मुझे दिखाइए कि आपने क्या क्या लिखा है, उसमें से जो बेस्ट आंसर होंगे सभी के वो हम फेयर कॉपी में करवाएंगे सभी के साथ। ठीक है, समझ में आ गया सभी को काम? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल अगर आपने अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए जब भी वीडियो अपलोड की जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।